तो आज जो है हम लोग क्लास ट्वेल्थ का ओएमआर सीट, कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई का, तो उसको भरने के लिए पहले आज सीख लेते हैं। इसी प्रकार से आपको एक पेज मिलेगा जो आपके कॉपी से अटैच रहेगा फ्रंट में, ठीक है, इसको भरना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सब्जेक्ट, तो कल जो है सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो इंग्लिश लिख देना होगा, इंग्लिश कोर। फिर देखिए सब्जेक्ट कोड, तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा 301। फिर कल देखिए यहां लिखा हुआ डे एंड डेट, है ना, तो डे एंड डेट यदि हम इसको हम बात करें तो डे में कौन सा डे हो जाएगा सर, तो डे में हो जाएगा थर्सडे कल, थर्सडे, और डेट कल का, कल का दे दीजिएगा, तो कल 22 है, 22/2/2024। मीडियम ऑफ एंसरिंग पेपर इंग्लिश है तो इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा। यहां पर देखिए कोड नंबर होता है, जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें कोड नंबर दिया रहता है, ठीक है, तो वो कोड नंबर और आखिर में जो सेट रहता है उस सेट को आपको सर्कल कर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री, यदि आप सप्लीमेंट्री लीजिएगा तो यस, नहीं लीजिएगा तो नो, जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बहुत मोटा एकदम कॉपी होता है, उसमें 30-40 पेजेस होते हैं। फिर यहां पर लिखा है कोई तरह का डिसेबिलिटी है तो इसमें भी क्या लिख देना होगा, नो। फिर यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी इसमें भी, तो नो लिख दीजिएगा। फिर यहां क्या राइटर प्रोवाइड किया गया है, नो, जब डिसेबिलिटी ही नो है तो इसमें भी नो ही लिख देना होगा। नेक्स्ट, अब राइट साइड हम मूव कर रहे हैं, देखिए यहां लिखा हुआ क्लास ट्वेल्थ, यहां पर बाबू एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर इस प्रकार से रहेगा PT/K, उसके बाद नंबर लिखा रहेगा 473204, ये जो है ओएमआर नंबर हो गया, समझ रहे बात को, ये ओएमआर नंबर, ये आपके अटेंडेंस सीट में भरना होता है आपको। यहां पर देखिए लिखा हुआ कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, यहीं पर आपको ब्लॉक लेटर में लिखना होता है, कैपिटल लेटर में, जैसे मेरा नाम है नितिन तो हम NITIN, फिर एक बॉक्स छोड़ देना होगा, एक नाम कंप्लीट हो गया तो एक बॉक्स हम छोड़ देंगे, फिर हम लिख देंगे यहां पर, है ना, कुमार, KUMAR। अब फिर क्या करना होगा, थोड़ा सा पहले N है तो पहला बॉक्स में N में जाएंगे और हल्का सा वहां पर क्या कर लेंगे सर, सर्कल कर लेंगे। फिर I है तो I में जाकर हल्का सा यहां पर सर्कल कर लेंगे। फिर T है तो T में जाकर हम हल्का सर्कल कर लेंगे सर, ठीक है। उसके बाद सर आई है तो फिर आई में जाकर सर्कल कर लेंगे, एन है तो एन में जाकर हम सर्कल कर लेंगे। फिर ये वाला बॉक्स छोड़ देना, ध्यान रहे। फिर कुमार में के जो है पहले के, तो के को हमको सर्कल कर लेना। यू जो होता है तो यू में जाकर हम लोग को सर्कल कर लेना है। फिर एम है तो एम में जाकर सर्कल कर लेना होगा। फिर ए है तो ए में लिख देना होगा। आर है तो फिर आखिर में देखिए जहां पर आर मिलेगा उस रो में उसी लाइन में, गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर रोल नंबर, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में बाबू दिया रहता है, उसमें लिखा रहेगा इस प्रकार से 2 2 4 7 9 3 2 1, जैसे मेरे एडमिट कार्ड में दिया हुआ, ये रोल नंबर हो गया। अब 2 है तो 2 को सर्कल कर दीजिएगा, 4 है तो 4 को सर्कल कर दीजिए, 7 है तो 7 को सर्कल कर दीजिएगा, जो भी आपका नंबर रहेगा रोल नंबर आप उसके अकॉर्डिंग सर्कल कर दीजिएगा। सब्जेक्ट कोड देखिए यहां पर भरना है, तो सब्जेक्ट कोड में क्या भरे हैं, 301, क्या कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ इंग्लिश का कितना होता है 301, सब्जेक्ट कोड वहां आपके एडमिट कार्ड में गिवन है। फिर सेंटर नंबर, जहां सेंटर पड़ा होगा, तो मेरा जहां सेंटर पड़ा है उसका मान लेते हैं 84, है ना, 6246, ये मेरा सेंटर नंबर है, ठीक है। तो हम फिर इसको सर्कल भी कर देना है, 3 है तो 3 को कर देना है, 0 है तो 0 को कर देना है, 1 है तो 1 को कर देना है, ठीक है। यहां पर 8 है तो 8 को कर देना है, 4 है तो 4 को कर देना है। फिर यहां देखिए लिखा हुआ है कि स्कूल नंबर एज पर द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के सबसे ऊपर में सेंटर नंबर लिखा रहता है राइट साइड से, और उसी के थोड़ा पहले एक वीडियो भी बनाए हैं क्लास 10th के लिए, उसको भी आप देख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर आपको मदद कर देगा। स्कूल नंबर मेरा जैसे हो गया, है ना, 65252, तो ये हमारा स्कूल नंबर हो गया। फिर देखिए यहां भी आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, तो यहां भी सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा इंग्लिश कोर, इंग्लिश कोर। फिर यहां देखिए वर्ड्स में होता है, तो देखिए करोड़, करोड़ तो लिखा हुआ है तो वहां करोड़ से पहले क्या लिखना होगा, 2। लाख से पहले देखिए कितना लिखा है, 1, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, है ना, 10 लाख। तो लाख से पहले क्या लिखना होगा, 24 लाख, तो यहां लिख देना होगा 24, क्या लाख तो लिखा हुआ है 24 लाख। फिर देखिए 24 लाख के बाद कितना है, 9000, तो यहाँ 9 लिख देना होगा। फिर 321 लिखा होता है। अब यहाँ फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम हम हमारे जो पिताजी का नाम है हम लिख देंगे यहाँ पर कि उमेश सिंह। फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर जैसा आप एडमिट कार्ड पर किए थे,
बस इतना ही चीज भरना होता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा ताकि इससे मिस्टेक्स नहीं होगा। और आपके पास जो अटेंडेंस शीट आएगा बाबू, उसमें तीन चीज भरना होता है। एक जो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर कोड लिखिएगा वो, सेट नंबर, ये ओमआर नंबर और आपका ये सिग्नेचर, ये तीन चीजें आपके वहां पर लिखे जाते हैं अटेंडेंस शीट में। ओके, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।